दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ पोटैटो के बारे में, यानी कि आलू के बारे में। आलू आपके बच्चों का हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्या बेनिफिट्स होता है ये आलू, आपके बच्चों को कब से इंट्रोड्यूस करा सकते हो, तो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। उसके साथ ही एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके मिलेगी एक छोटा सा वेरी सिंपल रेसिपी, आलू का स्नैक्स जो मैंने रेडी करके मेरे बच्चों को खिलाई थी वो मैंने शूट करके एट द एंड ऑफ द वीडियो इसे ऐड कर दिया है, तो ज़रूर उसको देखना ना भूलिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हमारे इस वीडियो को फटाफट से शुरू कर ही देंगे। शुरू करने से पहले आप सभी को मालूम है ही, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको व्लॉग्स, बेबी रेसिपीज़, पेरेंटिंग टिप्स और बेबी के रिलेटेड टिप्स आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और थैंक यू सो मच। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पोटैटोस यानी कि आलू आपके बच्चों को कब से आप शुरू कर सकते हो या इंट्रोड्यूस करा सकते हो। जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब से आप आलू बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हो एज अ इनिशियल सॉलिड फूड प्यूरीड के फॉर्म में। प्यूरीड के फॉर्म में आलू को एक बहुत ही अच्छी सा सिंपल सा रेसिपी ट्राई करके आपके बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट आता है इसका बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के बारे में बताऊँ, पोटैटो में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स से भरा है। फॉस्फरस होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, तो इसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद है। एक पोटैटो में इतना सारा न्यूट्रिएंट्स भरा है, तो आपके बच्चों को आप आराम से इसे खिला सकते हो रोज़। पोटैटो में होता है विटामिन सी, जिससे आपके बच्चों को अगर आप बॉइल्ड या स्टीम्ड के फॉर्म में देते हो उसका स्किन अच्छा रहता है। विटामिन सी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्लियर करता है और स्किन को नरिश करके सॉफ्ट बना के रखता है। तो नेक्स्ट यूज़ या बेनिफिट्स पोटैटोज़ का होगा, आपके बच्चों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो बच्चों को आलू ज़रूर खिलाइएगा। एज स्टीम्ड या बॉइल्ड के फॉर्म में ही देना चाहिए। अगर आप फ्राइड पोटैटो देंगे ना, आपके बच्चों को वो ज़्यादा सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए था। तो फ्राइड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, फोकस ऑन द बॉइल्ड एंड स्टीम्ड पोटैटोज़। तो इसे खिलाने से आपके बच्चों का एसिडिक प्रॉब्लम्स भी दूर कर देता है, क्योंकि इसमें एक फ्रेंडली बैक्टीरिया पैदा करता है इंटेस्टाइनल एरिया में, जो एसिड रिफ्लक्स को दूर रखता है। तो एसिडिक प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी बच्चों में नज़र नहीं आएगा अगर पोटैटोस आप रोज़ खिलाएंगे तो। अगर पोटैटो को आपके बच्चों को रोज़ खिलाते हो, इसमें बहुत अनेक सारे एंजाइम्स होते हैं, इसमें अल्कलाइन शुगर्स कंटेंट भी होता है, जो आपके बच्चों को दूसरे बीमारियों से लड़ने का क्षमता को बढ़ा देता है और इसके कोई भी दूसरे वायरसेस या इन्फेक्शंस आपके बच्चे तक पहुंचने तक नहीं देगा। तो इसे ज़रूर आपके बच्चों का डाइट में शामिल कर दीजिएगा। स्वीट पोटैटोज भी बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद ही होगा, तो अगर आप इसे आपके बच्चों के डाइट में इंट्रोड्यूस कराएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि अगर आप इस पोटैटो को आपके बच्चों को खिलाएंगे, अगर सुबह के टाइम में एज अ ब्रेकफास्ट, बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे, एक एनर्जी बूस्ट होगा अंदर से, तो पूरा दिन बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक से रहेंगे और पेट भी भरा होगा। एक कार्बोहाइड्रेट्स से भरा, न्यूट्रिएंट्स से भरा ये आलू आपके बच्चों का पेट एपेटाइट का प्रॉब्लम्स भी दूर कर देता है विथ एनर्जी लेवल्स बढ़ावा देने में। तो ज़रूर आपके बच्चों को आलू ज़रूर खिलाइएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके आपके बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा और कमेंट सेशन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू लिए हुए हैं और इसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटा हुआ है विथ छिलका, यानी कि स्किन। मैंने स्किन रिमूव नहीं किया है इसका, बाद में रिमूव करने इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने
छोटे ग्लासेस जितना पानी डाल दिया है कुकर में, और मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़रा सा नमक ताकि वो पोटैटोज जो है वो पिकी जैसा टेस्ट ना करे, तो अंदर से भी वो ज़रा सा सॉल्टी टेस्ट आए, तो इसलिए सॉल्ट डाल दूँगी। और इसे मैं ढक के दो विजल्स छोड़ दूँगी, दो या तीन विजल्स काफ़ी होगा। दो विजल्स होने के बाद या ज़रा देर के बाद मैं इसे खोल रही हूँ, और आप देख सकते हो इस तरह का ये उबल चुका है, जैसे बॉइल्ड हो चुका है। और मैं इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी ताकि मैं छिलके को इजीली रिमूव कर पाऊँ। और मैंने यहाँ पे लिया है एक नॉनस्टिक पैन और उसमें डाल दिया है दो चम्मच जितना घी। घी घर में ही बनाया हुआ है, वो हम यूजली हमारे घर में ही बनाते हैं मक्खन से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा मेरे चैनल पे। और मैं यहाँ पे आलू को छील दिया, छीलकर को निकाल के इसको मैंने डायरेक्टली पैन पे डाल दिया है, और पीसेस ज़रा बड़ा लग रहा है तो मैं उसे करछी से ही उसे हाफ ऑफ कर दूँगी फ्राई करते करते। क्या है ना, मेरे बेटे को बड़े पीसेस अच्छा लगता है, मेरे बेटे को छोटे छोटे पीसेस अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए इस तरह से काट दिया है। तो अब मैं इसे हाफ ऑफ कर दूँगी जितना चाहिए, और इसे इसी तरह प्लेन घी में ही इस तरह से आपको फ्राई करना है, अच्छे से इसे रोस्ट करना है, अच्छे से ब्राउनिश कलर आए जब तक इसे हम फ्राई करते ही रहेंगे। ज़्यादा स्टिर करने की ज़रूरत नहीं है, जब वो एक साइड का एक कलर आ जाएगा ना, देख सकते हो ये पोटैटो का कलर आ रहा है, उसके बाद आप इसे टर्न कर सकते हो। तो हर साइड इसी तरह आपको फ्राई करते ही रहना है। इसमें घी में आप डाल सकते हो ज़रा सा हींग, हींग नहीं था घर में तो मैंने नहीं डाला है, अदरवाइज़ आप इसमें हींग भी जाता है, वेरी टेस्टी लगता है। और ज़रा सा जीरा पाउडर भी डाल सकते हो, जीरा पाउडर भी अवेलेबल नहीं था तो मैं इसलिए ओवरऑल मैं फाइनली लास्ट टचअप में मैं दूँगी चाट मसाला का टचअप। तो इसे मैंने इस तरह से घुमा दिया, हर पोटैटोज को इसे हर साइड्स में अच्छे से इसे फ्राई कर दिया इस तरह से, देख सकते हो हर साइड्स में लाइट ब्राउनिश कलर हो गया। ये क्या होता है, इससे वो ज़रा से क्रिस्पीनेस होता है और उसका टेस्ट भी चेंज होता है अगर आप इस तरह से घी में इसे रोस्ट करते हो। बच्चों को बड़ी पसंद आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में भी, और बच्चे खेलते खेलते ख़त्म भी कर देंगे, तो स्नैक्स में ये परफेक्ट है। तो देख सकते हो मैंने इसे अच्छी तरह से हर एक साइड फ्राई कर दिया है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी एक कटोरी में, और मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी चाट मसाला और इसे सर्व कर दूँगी। इट्स रेडी टू सर्व, वेरी टेस्टी, डिलीशियस, एट द सेम टाइम वेरी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी स्नैक्स फॉर योर किड्स एंड बेबीज टू। बेबीज को भी आप देख सकते हो इसे छोटे छोटे पीसेस में काट के उनको सर्व कर सकते हो। इस तरह से मैंने शेक कर दिया और देखिए बिल्कुल रेडी पोटैटो स्नैक्स, यम्मी। फ्राई ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, ज़रूर आपके बच्चों को इस तरह से खिलाए कीजिएगा। पोटैटो इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।